हाय, सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अ प्रॉब्लम मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन, बट हम इसको इटरेटिव वे से सॉल्व करेंगे. हमने रिकर्सिव वे ऑलरेडी देख चुके हैं. लेट्स सी कि इटरेटिवली अगर इसको करना होता तो हम कैसे करते. ठीक है, सो हमारी प्रॉब्लम है मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन. प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम में तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स गिवन होता है. लेट्स नेम इट समथिंग लाइक 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो इसके अकॉर्डिंग तुम्हारे पास चार मैट्रिसेस हैं एंड ए की जो डायमेंशन है वो 1x2 है, बी की डायमेंशन है 2x3, सी की डायमेंशन है 3x4 एंड डी की डायमेंशन है 4x5. इन चारों को तुम्हें मल्टीप्लाई करना हो, मल्टीप्लाई नहीं करना होता, तुम्हें ये बताना होता है यार मिनिमम कॉस्ट क्या लगेगी इन चारों को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं गिवन देयर डायमेंशंस. सो हमें किसी ना किसी तरह हमें निकालना होता है कि कैसे इंट्यूटिव वे है कि इनको बेस्ट तरीके से मल्टीप्लाई किया जाए सो दैट मल्टीप्लाई करने में मिनिमम कॉस्ट लगे. एज यू हैव सीन ऑलरेडी अ रिकर्सिव सॉल्यूशन है ना. अब जब इटरेटिव में कन्वर्ट करते हैं किसी भी रिकर्सिव सॉल्यूशन को, सो हमने रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन से सॉल्व कर चुके हैं. उसका जो बेस केस होता है उसके थ्रू अपने मैट्रिसेस को इनिशियलाइज करते हैं. ठीक है, सो एज यू हैव सीन हम क्या करते थे, यहाँ एक आई रखते थे एंड एक कॉरस्पॉन्डिंग जे रखते थे. इसका आंसर अगर मेरे पास होता था ए बी सी का आंसर, तो मेरे को वो ए बी सी डी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ईजी हो जाता था. तो मेरे पास दो ही स्टेज थी ना, हर आई कॉमा जे के लिए, हर आई कॉमा जे के लिए डिफरेंट डिफरेंट आंसर हो सकता है. आई अगर मैं यहाँ रखूँ और जे मैं यहाँ रखूँ तो डिफरेंट आंसर होगा. आई अगर मैं यहाँ रखूँ जे यहाँ रखूँ तो डिफरेंट आंसर होगा. बट अगर कॉरस्पॉन्डिंग कोई आई और जे फिक्स्ड है उसके कॉरस्पॉन्डिंग तो आंसर फिक्स्ड होगा. कि अगर मैंने आई और जे का मुझे आंसर पता है तो मेरे को किसी और चीज़ की जरूरत नहीं है. दीज टू पैरामीटर्स आर एनफ फॉर सॉल्विंग माई प्रॉब्लम. सिंस देयर आर टू पैरामीटर्स वी कैन यूज अ 2D एरे. हम 2D एरे यूज कर सकते हैं. हम 2D एरे में ऐसा कुछ कर लेंगे, हमने आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करा था ना वहां, तो 1 से लेकर कुछ कुछ ऐसे मैट्रिसेस बना लेंगे एंड हमारा हर आई कॉमा जे बेसिकली 1, 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर कि 1 से लेकर 3 तक का मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन है. मिनिमम कॉस्ट कितनी लग रही है? 1, 4 का मतलब क्या है कि 1 से लेकर 4 में अगर मेरा मैट्रिक्स होता तो मेरी मिनिमम कॉस्ट कितनी लग रही होती. तो हर आई कॉमा जे के लिए मैं आंसर अपना कंप्यूट करके रख लूंगा. दिस विल बी माई टास्क. नाउ हमारा बेस केस क्या था? जब सिंगल एक एक मैट्रिसेस रह जाता है तो हमारा आंसर हमें पता है 0 है, किसी को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, तो बेसिकली आंसर इज 0. ठीक है, नाउ वन थिंग यू नीड टू रियलाइज कि इटरेटिव सॉल्यूशन में अगर तुम्हें ए बी सी का आंसर निकालना है ना तो तुम्हें ए बी और बी सी का आंसर पता होना चाहिए. दैट इज अ मेन टास्क बिकॉज ए बी सी डिपेंडेंसी किस पर है? इस पर एंड इस पर. तो बेसिकली एक लेंथ वाले और दो लेंथ वालों का आंसर पता होना चाहिए. दैट इज अ मेन टास्क बिहाइंड दैट. ए बी सी डी के लिए तुम्हें ए बी सी डी, ए बी सी डी एंड ए बी सी डी का आंसर पता होना चाहिए. बेसिकली ऑल लेंथ 3 मैट्रिसेस एंड ऑल लेंथ 2 मैट्रिसेस एंड ऑल लेंथ सिंगल मैट्रिसेस के आंसर तुम्हें पता होना चाहिए. तुम्हें नहीं पता किस केस में कौन सा यूज हो रहा हो, बट अगर तुम्हें इन सब लेंथ के सारे सिंगल 3 लेंथ के सारे सिंगल 1 लेंथ के सारे सिंगल 2 लेंथ के मैट्रिसेस का आंसर पता है तो तुम अपने 4 लेंथ का मैट्रिसेस का आंसर निकाल सकते हो. तो इसमें लेंथ पर फोकस है. दैट इज द मेन फोकस बिहाइंड इट. तुम्हें लेंथ इक्वल टू 1 के सबका आंसर पता है ना. सो लेंथ इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? 1, 1 एक मैट्रिक्स है तो उसका आंसर 0 है. 2, 2 एक मैट्रिसेस है उसका आंसर 0 है. 3, 3 एक मैट्रिसेस है उसका आंसर 0 है. 4, 4 एक मैट्रिसेस है उसका आंसर 0 है. तो कोई भी तुमसे पूछता आई अगर यहाँ होता और जे यहाँ होता तो तुम्हारे को उसका आंसर ऑलरेडी पता है. दिस इज हाउ विल बी इनिशियलाइजिंग द मैट्रिक्स. हमारी इनिशियलाइजेशन हो गई हमें हमारी इटरेटिव सॉल्यूशन के लिए. हमारे को समझ में आ गया कि हमें कैसे कैसे अभी काम करना है ना. टेक्निक वही लगाएंगे, के आई से लेकर जे में कोई के को प्लेस करते रहेंगे, बेसिकली एक ब्रैकेट प्लेस करते रहेंगे एंड अपना आंसर कंप्यूट करेंगे. ठीक है, सो वो कैसे करेंगे बेसिकली देखते हैं. सो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे मैट्रिसेस थी. ऐसी मेरे पास चार मैट्रिसेस हैं ए बी सी डी के कॉरस्पॉन्डिंग. मैंने अपना 2D एरे ऐसा कुछ बनाया है. चार लेंथ का मैक्सिमम हो सकता है तो आई और जे की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड 1, 2, 3, 4 ये कर दी मैंने. यहाँ पर मेरे को पता है मेरे 0 से इनिशियलाइज हो गया था. अब मैं क्या करूँगा, सारे 2 लेंथ वाले सॉल्व करूँगा, पहले 3 लेंथ वालों पर नहीं जाऊँगा. तो आई विल इटरेट पहले लेंथ इक्वल टू 2 से लेकर उसके आंसर सारे निकाल के रख लो, फिर लेंथ इक्वल टू 3 के लिए, फिर लेंथ इक्वल टू 4 के लिए ऐसा कुछ कर रहा. तो जब मैं लेंथ इक्वल टू 2 के लिए कर रहा हूँ तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ ए से, तो लेंथ इक्वल टू 2 के लिए
जे यहाँ पर होना चाहिए। सिमिलरली जब मैं लेंथ इक्वल टू टू के लिए आई मेरा यहाँ पर होगा, जे मेरा यहाँ होना चाहिए। सिमिलरली जब मेरा आई यहाँ पर होगा, मेरा मैक्सिमम जे ये हो सकता है। अगर मेरा लेंथ इक्वल टू थ्री के लिए होता तो अगर आई मेरा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है तो जे यहाँ तक हो सकता है। अगर मेरा आई स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है तो जे यहाँ पर हो सकता है। इसके बीच में मैं कहीं कहीं ब्रैकेट प्लेस करूंगा, पहले यहाँ कर प्लेस करूंगा, उस दिन पहले यहाँ प्लेस करूंगा फिर यहाँ प्लेस करूंगा, ऐसे कुछ कुछ, जैसे के बीच में प्लेस कर रहे थे, देखेंगे कि कैसे प्लेस करा है, बट बीच में आई से लेकर जे में मैट्रिसेस को प्लेस कर रहा हूँ। तो अगर मेरा ये है ए बी सी डी में, जब मैं लेंथ इक्वल टू टू के लिए फोकस कर रहा हूँ, मेरा आई यहाँ फिक्स हो चुका है, मेरा यहाँ के फिक्स हो चुका, जे फिक्स हो चुका है। अब मेरे को के को प्लेस करना है, तो बेसिकली दो लेंथ में के को इनिशियलाइजेशन नहीं करते, हमें पता है ए बी के अंदर तो आंसर एक ही है यार, ए और बी को मल्टीप्लाई करने में कितना टाइम लगेगा। तो सिंगल डायमेंशन ए का आंसर तुम्हारा जीरो है, तो दैट विल कॉस्ट जीरो, प्लस सिंगल डायमेंशन बी का आंसर जीरो है, दैट विल कॉस्ट जीरो, और ए और बी को मल्टीप्लाई करने में कितनी कॉस्ट लगेगी। बेसिकली ए का मैट्रिसेस क्या है, 1x2 का, बी का मैट्रिक्स क्या है, 2x3 का, सी का मैट्रिक्स 3x4 एंड डी का मैट्रिक्स 4x5। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने में 1 × 2 × 3 कॉस्ट तो लगेगी, दैट इज 6 कॉस्ट लगेगी लगेगी। देर इज ओनली वन वे, तो यहां पर 6 तो हमारा आएगा ही आएगा। अब लेंथ इक्वल टू टू के लिए और जाने हैं, तो बी सी में यहां आई रखोगे, यहां जे रखोगे, इसको कैसे तोड़ोगे यार, बी का तो सिंगल है 0, 2,2। सिमिलरली सी का भी 3,3 पे 0 रखा है, तो दैट इज 0+0 प्लस बी सी डी को मल्टीप्लाई करने में, तो 2 × 3, 6 × 4, 24, दैट विल कॉस्ट यू दिस। सिमिलरली अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर भी कॉस्ट आ जाएगी, दैट विल कॉस्ट यू 3 × 4 × 5, दैट इज 12 × 5, दैट इज 60, यहाँ पर कॉस्ट इतनी लगेगी। दीज आर फॉर लेंथ इक्वल टू टू के लिए। अब यहाँ पर लेंथ इक्वल टू थ्री के लिए आंसर डालोगे। सो लेंथ इक्वल टू थ्री के लिए क्या होने वाला है, ए बी सी डी है, आई यहां रखा है, तो जे तुम यहां प्लेस करोगे। अब ए बी सी में तुम्हारे आई और जे तो फिक्स हो गए हैं, अब यहां पर के को प्लेस करना शुरू करोगे, पहले के को यहां प्लेस करोगे फिर के को यहां प्लेस करोगे। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम तोड़ोगे तुम ए और बी सी पे, और तोड़ोगे ए बी और सी पे। अगर ये प्रॉब्लम होती तो तुम्हारे को इसका आंसर पता है, कैसे पता है, ए का तो आंसर जीरो है सिंगल डायमेंशन, प्लस बी सी का दैट इज 2,3, 2,3 का आंसर है 24, तो इसकी कॉस्ट लगती 0+24, 0 for A + 24 प्लस ए और बेसिकली ए बी सी को मल्टीप्लाई करने में कितना टाइम लगता। देखो ए बी की मैट्रिक्स बन जाती 1x3 की, बेसिकली ए को मल्टीप्लाई करो तो 1x2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, किससे, बी सी की मैट्रिक्स से, बी सी की मैट्रिक्स से 2×4, तो तुम्हारा टाइम लगता 1 × 2 × 4, दैट इज 8, दैट इज इक्वल टू 32, इसमें 32 कॉस्ट लग सकती थी। तो एक आंसर हो सकता है मेरा 32, एक और आंसर हो सकता है ए बी और सी। ए बी का आंसर क्या है, 1,2 का आंसर पता है तुम्हें, 6 है, 6 प्लस सी का तो आंसर 0 है, प्लस इन दोनों को आपस मल्टीप्लाई करने में ए बी की मैट्रिक्स क्या बनती, बेसिकली 1×3 की, और सी की मैट्रिक्स क्या है, 3x4 की, तुम्हारी कॉस्ट कितनी लगती, 1×3×4, दैट इज 12, दैट इज इक्वल टू 18। तो यहां पर 32,18 होता, इन दोनों का मिनिमम लेते तो हमारा 18 आंसर हो जाता, यहां पर हमारा आंसर 18 आ जाता। सिमिलरली यहां देखते अगर तुम, अब ए बी सी डी में और कौन कौन से थ्री लेंथ के मैट्रिक्स हो सकते हैं, आई तुमने यहां प्लेस करा एंड जे तुमने यहां प्लेस करा, इसको तोड़ा किसमें, बी और सी डी में। बी का आंसर पता है 2,2 पे 0 है, दैट इज 0 प्लस, सी कॉमा डी का आंसर पता है 3,4, 60 प्लस। बी सी डी को आपस में मल्टीप्लाई करने में बी की मैट्रिक्स क्या है, 2x3, सी सी डी की मैट्रिक्स क्या बनी होगी, 3x5 की, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो 2×3, 6×5, 30, दैट इज इक्वल टू 90, यहाँ कॉस्ट लग सकती थी। सिमिलरली यहाँ क्या हो सकता है, बी सी और डी हो सकता है, बी सी को मल्टीप्लाई करने में कितना मिनिमम लग रही है, तो 2,3 That is 24 प्लस डी तो 0 है, प्लस इसको आपस में मल्टीप्लाई करने में बी सी में कितना है, बी सी की मैट्रिक्स होती 2x4 की, डी की मैट्रिक्स क्या है, 4x5 की, तो 2×4, 8×5, 40, दैट इज इक्वल टू 64। तो 64 और 90 में मिनिमम क्या है, 64, तो यहां पर आंसर हमारा आ जाता 64। दैट इज हाउ वी आर कंप्यूटिंग। अब क्या रह गया हमारी, चार लेंथ की मैट्रिक्स, चार लेंथ की मैट्रिक्स तो आई थिंक एक ही हो सकती है,
सो दिस इज माई एबीसीडी, इसको मैं कैसे कैसे तोड़ सकता हूँ, ए और बी सी डी में, सिमिलरली ए बी और सी डी में, सिमिलरली ए बी सी और डी में। अगर मैं इसको तोड़ता तो इसमें क्या होता, ए का तो 0 है, 0 प्लस बी सी डी का आंसर तुम्हारे को पता है 2,4, दैट इज 64, प्लस इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो बी सी डी की मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या होगी, 2 × 5 बेसिकली, एंड ए की डायमेंशन क्या है, 1 × 2, तुम्हारी कॉस्ट कितनी लगती है, 1 × 2 × 5 दैट इज 10, यहां पर एक आंसर हो सकता था हमारा 74। सिमिलरली ए बी और सी डी में क्या हो सकता है, ए बी की मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या होती, 1 × 3, सी डी की डायमेंशन क्या होती, 3 × 5, ए बी में मिनिमम टाइम मिनिमम कॉस्ट कितनी लग रही है, ए बी इज व्हाट, 1,26 प्लस सी डी में कितनी लग रही है, सी डी इज 3,460 प्लस, इसको आपस में मल्टीप्लाई करने में दैट इज 3 × 3, 1 × 3 × 5 दैट इज 15, दैट इज इक्वल टू 66 प्लस 15 81। एक और चांस, एबीसी और डी, एबीसी की मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या, एबीसी का आंसर क्या है, एबीसी का आंसर है मेरा 1 × 3 दैट इज 18 प्लस डी का आंसर 0 है प्लस, इसको आपस में मल्टीप्लाई करने में एबीसी की मैट्रिक्स क्या होती, 1 × 4 और डी की मैट्रिक्स होती 4 × 5, तो 18 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 38, एंड इन तीनों का मिनिमम है 38, तो यहां पर आंसर हमारा 38 छोड़ता, फाइनल आंसर हमारा 38 होता, तो फाइनल आंसर विल बी m1 ऑफ, अगर मेरा मैट्रिक्स का नाम m है इसका, m1 ऑफ n, मेरे पास नंबर ऑफ मैट्रिक्स थे तो n-1, क्योंकि हमारी ये लास्ट वाली जो है n-1 पे रखी होगी, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो दिस इज हाउ वी आर कंप्यूटिंग फॉर एवरी लेंथ, हम पहले क्या करते हैं, पहले सिंगल लेंथ वाला तो हमें आंसर पता ही है, फिर 2 लेंथ वाला, फिर 3 लेंथ वाला, फिर 4 लेंथ वाला, फिर 5 लेंथ वाला, जैसे जैसे लेंथ आता है आई और जे को कॉरस्पॉन्डिंग फिक्स करते हैं, फिर के उसके बीच में प्लेस करते रहते हैं। सो ओवरऑल कैसे कर रहे हैं हम कुछ एल इज इक्वल टू 1 के लिए तो इनिशलाइज कर देते हैं, अगर मेरा कैपिटल एम है, एम एट आई आई इज इक्वल टू 0 फॉर लेंथ इक्वल टू 1, हमने सारे एम एफ आई आई पे 0 कर दिया, कहां से लेकर कहां तक, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n-1 तक, हर उसके लिए मैंने ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू तो सारी 0 से इनिशियलाइज कर दी। अब मुझे इटरेट करना है l इज इक्वल टू 2 से लेकर n-1 तक, बेसिकली दिस इज हाउ आई नीड टू कंप्यूट। नाउ अगर तुम ध्यान रखो, ये मेरा n क्या है, एन मेरा था जो गिवन मैट्रिसेस कर लेते, तो हमारे पास तो मैक्सिमम n-1 बन सकते हैं ना, बिकॉज n+1 साइज का हमें गिवन होता है, तो हमारे पास n केवल मैट्रिसेस होते हैं, तो दैट इज n-1, n इज द टोटल, n इज द साइज ऑफ एरे। अब मैं i को हर एक जगह प्लेस करते रहता हूं, तो i इज इक्वल टू 1 से मैं प्लेस करना स्टार्ट करता हूं, कहां तक प्लेस कर सकता हूं, n-l+1 तक। बेसिकली देखो क्या ए बी सी डी है, आई इज इक्वल टू 1 यहां प्लेस कर सकता हूँ, आई इज इक्वल टू 1 यहां प्लेस कर सकता हूँ, आई इज इक्वल टू 1 यहां यहां, लेकिन ये सिंगल लेंथ के लिए कर सकता हूँ सब जगह ही, दो लेंथ के लिए डी पे प्लेस करने की जरूरत ही क्या है, जब आगे जा ही नहीं सकते हो तुम, तो दो लेंथ के लिए तो आई को यहीं तक प्लेस करना है ना, सो आई को कहां तक प्लेस करते रहना है हर लेंथ के लिए, अगर तुम एन देखो, एन इज द साइज ऑफ द एरे जो कि इससे ज्यादा है, तो 5 मेरा था वो वाला जो गिवन मैट्रिसेस था, 5 में से अगर मैं आई सब्ट्रैक्ट करूं, बेसिकली एन एल सब्ट्रैक्ट करूं, कितनी लेंथ, मेरे को 2 लेंथ तक का सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5-2 विल बी माई दिस, तो दिस विल बी आई इज इक्वल टू 2 से लेकर n-l तक मैं प्लेस कर सकता हूं, 5-2, एन इज द साइज ऑफ द एरे, 5-2 तक का साइज प्लेस कर सकता हूं, 1, 2, 3 यहीं तक प्लेस करने का पॉइंट है। अब मेरा कोई आई फिक्स हो जाता है तो मुझे कहीं ना कहीं जे फिक्स करना पड़ता है, जैसे आई यहां पर है, So, मुझे कहीं ना कहीं जे फिक्स करना पड़ता है, जे कहाँ फिक्स करना होता है, एल इक्वल टू 2 के लिए जे को यहाँ फिक्स करना है, एल इक्वल टू 3 के लिए जे को यहाँ फिक्स करना है, एल इक्वल टू 4 के लिए जे को यहाँ फिक्स करना है, तो कितना आगे लेके जाना है, जे मैक्सिमम जा सकता है मेरा आई में, मैं ऐड करूँ कितना, एल माइनस 1, आई प्लस 2-1,
आई प्लस थ्री माइनस वन, आई प्लस फोर माइनस वन. सो यहां तक मैं जे प्लेस कर सकता हूं. सो मैं इसके अंदर एक इनिशियलाइज कर दूंगा, जे इज इक्वल टू आई प्लस एल माइनस वन. अब मेरे कॉरस्पॉन्डिंग आई और जे फिक्स हो गए, अब उसके बीच में मैं के प्लेस करूंगा, बेसिकली ब्रेसेस प्लेस करूंगा. सो वो तो हमें पता है कहां से लेकर कहां तक होते हैं, आई से लेकर जे माइनस वन के बीच में मैं ब्रेसेस प्लेस कर सकता हूं एंड अपने मैट्रिसेस का आंसर कंप्यूट कर सकता हूं एट एवरी एम एट आई एथ कॉमा जे एथ. क्या करूंगा मैं, मैंने जहां जहां ब्रेसेस प्लेस करा है, एम एट आई एथ के एथ प्लस एम एट के एथ जे एथ, दिस इज कैपिटल एम, प्लस उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने में. वो तुम्हारे पास अगर एरे गिवन है तो दैट इज एरे ऑफ आई माइनस वन इंटू एरे ऑफ के एथ और एरे ऑफ जे एथ. ये वैल्यू एज इट इज नहीं होगी, इन सब में से जोन सा मिनिमम आता है वो वैल्यू यहां पर स्टोर होगी. दिस इज हाउ यू विल बी कंप्यूटिंग एंड इन द एंड तुम्हें पता है तुम्हारा आंसर कहां रखा है, एम एट वन कॉमा. सो पूरा एल्गोरिथम डिस्कस कर लिया, पूरा कंसेप्ट डिस्कस कर लिया कि रिकर्सिव वाले को इटरेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना. सो काफी कंसेप्ट, आई थिंक काफी कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा. अगर तुम इसको कोड कर लेते हो तो समझ लो इटरेटिव वर्जन भी काफी अच्छे से करना आ गया, ठीक है. इट विल बी अ गुड क्वेश्चन टू सॉल्व, इसको प्लीज इटरेटिवली कर लेना, देन मूव ऑन. ओके, थैंक यू.